नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे टिल्डन रिजेंट की रिएक्शन, टिल्डन अभिकर्मक की अभिक्रिया, टिल्डन अभिकर्मक की अभिक्रिया। ठीक है, टिल्डन अभिकर्मक अभिकर्मक की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, टिल्डन रिजेंट, टिल्डन रिजेंट, आर ई ए जी ई एन रिजेंट्स रिएक्शन, टिल्डन रिजेंट्स रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो अपन ये पता होना चाहिए कि जो टिल्डन रीजन है, टिल्डन रीजेंट है, ये क्या है। तो स्टूडेंट, जो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको कहते हैं अपन क्या, टिल्डन रीजेंट। ये है अपना क्या, टिल्डन रीजेंट, ये है टिल्डन रिजेंट, टिल्डन अभिकर्मक। ठीक है स्टूडेंट, ये है अपना क्या, टिल्डन अभिकर्मक। ठीक है, टिल्डन रिजेंट। और ये जो टिल्डन रिजेंट है, ये जो टिल्डन रिजेंट है, ये रिएक्शन करता है प्राइमरी एमीन से, और प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करके और ये बनाता है हेलो एल्केन। क्या बनाता है, हेलो एल्केन। तो अपन ले लेते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन एस, ये होता है प्राइमरी एमीन, इसको लिख सकते हैं आर एन एच टू। ठीक है स्टूडेंट, प्राइमरी एमीन देखो किसे कहते हैं, ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन से क्या एक एल्किल समूह जुड़ा रहे या एक एरिल समूह जुड़ा रहे, उसी तो प्राइमरी एमीन कहते हैं। ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया प्राथमिक एमीन, और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं टिल्डन रिजेंट, NOCl से, टिल्डन रिजेंट से, और बनता है क्या, और बनता है RCl, जिसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, और बनता है क्या, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, और बनता है H2O प्लस N2। ये क्या है, हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन, या क्या बोलते हैं इसको, एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टिल्डन रिजेंट की प्राइमरी, टिल्डन रिजेंट की रिएक्शन में टिल्डन रिजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं, अभिक्रिया किससे कराते हैं, प्राइमरी एमीन प्राथमिक एमीन से, और क्या बनता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब ये है अपना टिल्डन रिजेंट, अब देखो इसको सिंपली कैसे याद करें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर एन एच एच, कैसे आर एन एच टू कैसे लिख सकते हैं, और टिल्डन रिजेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर ये सॉरी ये एन है, ये सिंगल बॉन्ड सी एल, एनओ सी एल, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इसकी रिएक्शन से ये बनेगा, एक तो एच टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तो एच टू बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, एच टू। ठीक है, अब ये क्या बना, देखो ये बन गया अपना आर सी एल, हेलो एल्केन, इसमें हेलो एल्केन में क्या है, हेलो एल्केन क्या है, क्लोरो एल्केन। ठीक है, क्या बन गया, हेलो एल्केन में ये क्या बन गया, क्लोरो एल्केन, क्या बना, क्लोरो एल्केन। ठीक है, या एल्किल हैलाइड, या क्या बोलेंगे इसको, एल्किल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, एल्किल क्लोराइड। तो ये बनेगा, देखो तो क्या बना, देखो यही तो बना RCl, एल्किल क्लोराइड। इसको, इस रिएक्शन को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब एक क्या है, याद करने के लिए इसको इस तरीके से लिखेंगे तो यार जल्दी याद हो जाएगी। देखो NOCl इस प्रकार से लिख ले, RnH2 इस प्रकार से लिख ले, और यहां से H2 निकल गया, यहां से N2 गैस निकल गई, यहां से RCl, RCl फिर क्या बना, H2O बना, और फिर बना N2 गैस। ये है टिल्डन रिजेंट की रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई अपनी किसकी, टिल्डन रिजेंट की रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही,
अगला जो कुछ टॉपिक कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।